अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। पिछली वीडियो में NFPA 14 से रिलेटेड क्लासेस ऑफ स्टैंड पाइप मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और आज की वीडियो सेम ही स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन से रिलेटेड है। आज मैं स्टैंड पाइप और होज सिस्टम का डिज़ाइन प्रेशर रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा जो NFPA 14 में बताया गया है। तो आज की ये वीडियो देखें जो प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर फायर होज कैबिनेट आप इंस्टॉल करते हैं या स्टैंड पाइप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या इसी सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए और डिज़ाइन में प्रेशर कितना बताया जाता है, वो डिज़ाइन फॉलो की जाती है NFPA 14 से रिलेटेड। तो ये आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़रूर देखें और मालूमात हासिल करें डिज़ाइन प्रेशर रिक्वायरमेंट स्टैंड और होज पाइप सिस्टम की। दोस्तों, प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्लास वन में आते हैं। क्लास वन में आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर स्टैंड पाइप के साथ एक होज़ वाल लगाया जाता है और उसके साथ ये होज़ पाइप कनेक्ट किया जाता है। वो होज़ पाइप 2.5 इंच का होता है, स्टैंड पाइप के साथ लगा होता है। जैसे ये नज़र आ रहा है रेड कलर का स्टैंड पाइप है, ये होज़ वाल है। होज़ वाल ये थ्रेडेड वाल होता है और इसके साथ फिर ये होज़ पाइप कनेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ फायर। और ये एग्ज़िट में लगाया जाता है या एंट्री में लगाया जाता है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी लोकेशन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रेशर की रिक्वायरमेंट इस लोकेशन पे जहाँ पर ये होज़ वाल लगा हुआ है, इस पॉइंट पर जो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए वो 100 PSI होना चाहिए, बार में वो 6.9 होना चाहिए। और इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये होज़ कनेक्शन लगा रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर 175 PSI होना चाहिए और बार में 12.1 होना चाहिए। और NFPA इसके बारे में ये बताता है कि अगर आपका जो स्टैटिक प्रेशर है वो होज़ कनेक्शन में एक्सीड हो जाता है, जो मेंशन मैंने ये आपको बताया ये आला, तो इससे एक्सीड हो जाता है, फिर आपको ये प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस लगानी है। प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस से मुराद है PRV लगानी है। वो उसके लगाने से जो आपका स्टैटिक प्रेशर होगा और रेजिडुअल प्रेशर होगा वो होज आउटलेट पे एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो जो ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट NFPA 14 में बताई गई है 100 PSI और 175 PSI, ये मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर इसको मेंटेन करना है। मैक्सिमम से कम 175 से कम होना चाहिए और मिनिमम 100 PSI से ज़्यादा होना चाहिए। और अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे होज़ कनेक्शन से क्या मुराद है। NFPA में डेफिनेशन में होज़ कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि वो कनेक्शन जहाँ पर आप होज़ कनेक्ट करें स्टैंड पाइप सिस्टम के साथ, वहाँ पर होज़ वाल थ्रेडेड आउटलेट का लगाया जाए। जो ये थ्रेडेड आउटलेट वाल है वो कनेक्ट करें स्टैंड पाइप के साथ और ये वाल थ्रेडेड आउटलेट होना चाहिए। और दूसरा, मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर। रेजिडुअल प्रेशर से मतलब क्या है, वो NFPA में बताया गया रेजिडुअल प्रेशर वो स्टैंड पाइप सिस्टम का प्रेशर है उस पॉइंट पर जहाँ पर ये वाल लगा हुआ है वहाँ पर पानी फ्लो हो या डिलीवर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल प्रेशर। और स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, वो होता है जब स्टैंड पाइप सिस्टम में हम प्रेशर चेक करें जहाँ पर ये वाल लगा हुआ है वहाँ पर पानी फ्लो नहीं हुआ, वो रुका हुआ, इसका मतलब है रेजिडुअल प्रेशर। वो प्रेशर है अगर आपका पानी जो फ्लो हो रहा है, आपने इस वाल को खोला है या पानी फ्लो हो रहा है, तो वो आला आपका रेजिडुअल प्रेशर होगा। अगर वाल बंद है और लाइनों में प्रेशर रुका हुआ है और वो फ्लो नहीं हो रहा तो वो आला प्रेशर जो होगा वो स्टैटिक प्रेशर होगा, ये बताया गया है। अब हम प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्लास टू के देखेंगे। क्लास टू में बताया गया कि होज़ स्टेशन होती है, होज़ स्टेशन में कंप्लीट सेट होता है, उसमें होज़ रील भी होती है, होज़ पाइप भी होता है, नोज़ल भी होती है और कैबिनेट भी होता है। ये 1 इंच का ये कंप्लीट सेट है जिसे होज़ स्टेशन बोलते हैं, और ये 1.5 इंच का कंप्लीट सेट है जिसे होज़ रेक कहा जाता है। इसमें भी होज़ का वाल भी लगा हुआ है, होज़ पाइप भी है, नोज़ल भी है, कैबिनेट भी है, कंप्लीट सेट है। क्लास टू में जो प्रेशर की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के बारे में हमको बताने जा रहा हूँ, इनिशियल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट सेट हर चीज़ मौजूद होती है, फॉरन फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट बताई गई है NFPA 14 में, मिनिमम प्रेशर उसका 65 PSI होना चाहिए
और बार में 4.5 बार होना चाहिए मिनिमम, ये क्या है रेजिडुअल प्रेशर, और मैक्सिमम जो प्रेशर होल कनेक्शन पे पास ये 100 PSI होना चाहिए, अगर बार में तो वो 6.9 बार होना चाहिए। और NFPA 14 में एक नोट के ज़रिए बताया गया है अगर आपका एस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपको प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस लगानी है, तो वो स्टैटिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर इसको मेंटेन करने के लिए जो आउटलेट का जो प्रेशर है वो जो ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है मिनिमल रेजिडुअल प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर इस लिमिटों से एक्सीड नहीं हो, इस लिमिट के अंदर ही रहकर हम इसको ऑपरेट करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए। और दूसरा होज स्टेशन के बारे में आपको बताया था, होज स्टेशन की ये NFPA 14 में डेफिनेशन बताई गई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होज रेक होज नोजल होज एंड होज कनेक्शन, इससे मुराद है तो सारा कंप्लीट सेट होना चाहिए, उसमें होज कैबिनेट नोजल पाइप और कैबिनेट कंप्लीट सेट होना चाहिए, उसको होज स्टेशन कहा जाता है। और नोजल प्रेशर, नोजल प्रेशर कौन सा होता है, जो ये नोजल लगी हुई है फायर होज कैबिनेट के साथ जो नोजल लगी होगी या फायर होज रेक के साथ जो नोजल लगी होगी, उस नोजल का जो ये जो इनलेट का प्रेशर होगा वहाँ पर वो जो प्रेशर होता है वो नोजल का प्रेशर कहलाया जाता है, क्योंकि जब पानी यहाँ से नोजल से डिस्चार्ज होगा ये प्रेशर उस टाइम मेजर किया जाता है, और यहाँ रेजिडुअल प्रेशर डिफरेंस होता है और ये नोजल प्रेशर डिफरेंस होता है। दोस्तों अब प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्लास 3 को हम मालूम करते हैं, उससे पहले क्लास 3 में जो कैबिनेट लगी होती है इसको होज स्टेशन कहा जाता है या फायर होज कैबिनेट भी कहा जाता है, अगर ये सिंगल होगी तो वो सिंगल कंपार्टमेंट फायर होज कैबिनेट कहा जाता है या होज स्टेशन कहा जाता है, और डबल कंपार्टमेंट ये अगर दो फ्लोर के साथ होगी दो स्टेप में होगी तो वो डबल कंपार्टमेंट फायर होज कैबिनेट या स्टेशन कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें लगी होती हैं, एक 2.5 इंच का वाल लगा होता है, एक 1.5 इंच का वाल होता है, ये होज कनेक्शन इसके साथ कंप्लीट लगी होती है और नोजल भी लगी होती है 1.5 इंच कनेक्शन के साथ, और ये होज कनेक्शन के लिए ये 2.5 इंच का ये वाल लगा हुआ है, होज वाल कहलाता है, थ्रेडेड कनेक्शन के साथ होता है। और ये डबल कंपार्टमेंट में भी ये सेम है, ये होज रील लगी हुई है, ये 1 इंच की होज रील लगी हुई है और ये नीचे ये 2.5 इंच का वाल लगा हुआ है थ्रेडेड आउटलेट और कैप और चेन के साथ है। तो अभी इसका हम प्रेशर मालूम करते हैं, तो इसमें आपको मालूम हुआ होज कनेक्शन का एक 2.5 इंच का वाल लगा होता है और एक 1.5 इंच की होज की स्टेशन होती है जिसमें कंप्लीट सेट होता है। मिनिमम प्रेशर पे आते हैं, मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर इसका कितना होता है, वो 100 PSI होता है, अगर बार में वो 6.9 बार होता है, कम से कम इसमें प्रेशर 100 PSI होना चाहिए, और मैक्सिमम प्रेशर एट होज कनेक्शन के पास जो मैक्सिमम प्रेशर हमें चाहिए 175 PSI चाहिए, 175 PSI चाहिए, और बार में हम इसको 12.1 बार कहेंगे। नोट में ये बताया गया है कि स्टैटिक प्रेशर के लिए अगर स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर बताया गया या मैक्सिमम ये प्रेशर होज पे बताया गया है वहाँ पे आपका स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आपको प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस लगानी होगी, जैसे आप स्टैटिक प्रेशर या होज के पास प्रेशर वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैक्सिमम लिमिट से इंक्रीज नहीं हो जाए। और दूसरी होज स्टेशन, होज कनेक्शन, नोजल प्रेशर और रेजिडुअल प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर, ये सारी डेफिनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन की जो NFPA स्टैंडर्ड में लिखी गई है या बताई गई है। यहाँ पर हम प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट की ये तीनों जो क्लासेस हैं उसका मैं ये आपको प्रेशर दिखा रहा हूँ, तो तीनों में डिफरेंस क्या प्रेशर है। पहले हमने क्लास 1 में देखा था कि मिनिमम प्रेशर 100 PSI और मैक्सिमम प्रेशर 175 PSI क्लास 1 में होना चाहिए, और क्लास 2 में मिनिमम प्रेशर 65 होना चाहिए और मैक्सिमम प्रेशर 100 PSI होना चाहिए, और क्लास 3 में मिनिमम प्रेशर 100 PSI और मैक्सिमम प्रेशर 175 PSI। इससे आपको पता चलता है कि जो 2.5 इंच की होज वाल दिया हुआ है थ्रेडेड कनेक्शन के लिए वहाँ पर जो मिनिमम प्रेशर 100 PSI चाहिए, और जो ये 1.5 इंच की कनेक्शन है होज स्टेशन के लिए वहाँ पर मिनिमम प्रेशर 65 PSI होना चाहिए। और मैक्सिमम प्रेशर पे आते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर 175 बताया गया है और होज स्टेशन में जो मैक्सिमम प्रेशर 100 PSI बताया गया है, और क्लास 1 और क्लास 2 का क्लास 3 जो है कॉम्बिनेशन है उसमें ये प्रेशर दिए गए हैं। और ये प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में NFPA 14 और एडिशन 2007 में ये उसका डॉक्यूमेंट है, NFPA 3 में जो वर्डिंग लिखी गई है मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर लिमिट की वो है का मीन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया,
अगर फिर भी आप इसको मज़ीद समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग प्रेशर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आपको पसंद आई होगी, जो NFPA 14 से रिलेटेड थी और एडिशन 2007 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेम ही NFPA 14 से रिलेटेड स्टैंड पाइप का फ्लो रिक्वायरमेंट, जो डिज़ाइन फ्लो रिक्वायरमेंट होती है, वो वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट जो स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन से रिलेटेड है क्लियर हो। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।